एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्तान्न हि उपपद्यते। कहते हैं एतन्मे संशयम्, हे कृष्णा, यहाँ देखो तीन बार बोल दिया, हे कृष्णा मेरे संशय कर्षण कर डालो, नष्ट कर डालो। हे कृष्णा मैं एतत् संशयम् छेत्तुम् अर्हसि, आप ही छेदने योग्य हो। लेकिन यह संशय को छेदने का मतलब उसे एक और विशेषण दे दिया, अशेषतः छेत्तुम् अर्हसि, पूर्ण रूपेण नष्ट करने में समर्थ है तो आप ही है और दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो अन्य आपसे अन्य कोई दूसरा ऋषि हो चाहे देवता हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्यों ना हो, कोई भी अस्य छेत्ता नहीं उपपद्यते। ये मैंने स्मार्त, क्योंकि जो है आपके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरे इन संशयों का छेदन करने में समर्थ नहीं हो सकता। यहां समझना है ब्रह्मा विष्णु महेश भी छोड़ देना, सगुण कोई भी तत्व नहीं, यहाँ जो कह रहा है उसको अभी मालूम तो है नहीं, ये भगवान है, ये ब्रह्म है, ईश्वर है, ये भी मालूम नहीं उसको, तो आगे जाके पता चलेगा ना, जब ईश्वर दर्शन आदि करेगा तब खुलेगा अंक। अभी तक वो केवल गुरु मानता था, शिष्यस्ते हम शादीमान तम प्रपन्न, यहाँ आकर के ये जो कहा उसने त्वद अन्य संशय से शिक्षता नहीं पद, इससे ज्ञापन होता है अब वो इनको सदगुरु मान लिया और आगे जाकर के सदगुरु को ईश्वर मानेगा, आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही रुद्र, आप ही सब कुछ, तो सब कुछ बाद में मानेंगे, अभी सब कुछ नहीं मान रहा। अभी भी आप गुरु मानता था, ठीक है आप बड़े बुद्धिमान हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, शास्त्रों का ज्ञान है, मेरे भ्रांति को दूर करने में प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप गुरु हैं। लेकिन इतनी चर्चा के बाद अब उसके दिमाग में आया कि भाई ये गुरु नहीं केवल, ये तो सदगुरु हैं, इनको शास्त्रों का सम्यक अनुभूति ही है, अतएव इनके अलावा कोई दूसरा संशय का नाशक नहीं हो सकता। सामान्य रूप से संशय नाश गुरु कर सकता है, अशेष तो संशय का नाश सदगुरु कर सकता है और अनुभूति ईश्वर करा सकता है। अरे महागुरु और कुछ नहीं होता, दो ही शास्त्र में तो ये गुरु और सदगुरु बस। और महागुरु, परम गुरु, अति गुरु, दुनिया विशेषण है, उसमें क्या चीज है, सुगुरु कर दो, विगुरु कर दो, जितने उपसर्ग जोड़ दो, 22 उपसर्ग तो है तुम्हारे पास, 22 स्टेप गुरु बना लो और क्या दिक्कत है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे अब श्री श्री श्री, अब तीन श्री जोड़ दिया ना, श्री 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 है गुरु महाराज, अब एक श्री वाला गुरु होगा, कोई दो श्री वाला गुरु होगा, तीन श्री वाला गुरु, कोई चार श्री लिख देगा, कोई 108 श्री लिख देगा, 1008 श्री, अनंत श्री। एक महात्मा थे जो स्टेज संभालते थे प्रवचनों का, महात्माओं की, और कई बार उनको अनेक प्रकार से बड़े बड़े मंडलेश्वर भी टोक दे, तो उन्होंने हमको ये विशेषण क्यों दिया, उनको वो विशेषण दे दिया, अब क्या करें वो, अब रोजाना एक न एक विशेषण और नेक्स्ट नया ढूंढता आता हूँ खुश करने के लिए सबको, अगले मंच में सबको एक विशेषण दे दो, सबको एक ही, सब मंडलेश्वरों के अनंत श्री, 108 श्री बोला उसे भी नाराज, 1008 श्री उसे भी नाराज, अनंत श्री उसे भी नाराज, तब परिपूर्ण श्री बोल दिया, फिर उसे भी नाराज हुए, तो स्टेज संभालना ही छोड़, बेकार लग रहा है, छोड़ो बेकार लोग, क्या ये महात्मा गृहस्थी से भी घटिया है, ये मंडल से जितने विशेषण तो उतनी दिमाग खराब है, वो स्टेज संभालना ही छोड़, स्टेज मंत्री बनते हर जगह, तो ऐसे है, इसमें कोई एंड नहीं है। अब कोई अपने आप को महागुरु कहे, कोई कहे मैं परम गुरु, अरे वो तो महा तो क्या होता है, मैं तो परम हूँ, अरे वो परम और महा क्या होता है, महारथी, परमरथी, अतिरथी उसे बड़ा होता है ना, योद्धा में, इसे मैं अति गुरु हूँ,
वो अति गुरु हो जाए, गुरुत्व का भी अतिक्रमण करने वाला अति गुरु महादुष्ट, यही अर्थ होगा ना उसका। फिर ऐसे उठपटा वो भी व्याख्या करेंगे तो हम लोग वैसे उल्टा सीधा उसका व्युत्पत्ति कर देंगे। तो इसलिए ये सब में चक्कर नहीं, दो ही होता है शास्त्र में, सदगुरु और गुरु कहा गया। गुरु मैंने पहले हर आदमी सामान्य रूप में किसी गुरु मान लेता है, दीक्षा ले लेता है, उससे अध्यात्म प्रवृत्त हो जाता है, फिर उसके अंतिम द्वार तक पहुंचाने वाला जो मुख्य वेदांत उपदेश देने वाला वो सदगुरु होता है। अभी समझ गया है ये सदगुरु है मेरा सर्व संशय निवारण ब्रह्म ज्ञान से, क्योंकि सर्व संशय कब निवारण होता है, छिन्ना सर्व संशय कब भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पर, ब्रह्म ज्ञान से सर्व संशय निर्वय होता है। अब इससे मतलब स्वीकार कर रहा है वो मेरा अशेष संशय का आप ही काट सकते, का मतलब आप ही मेरे को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने वाला सदगुरु हो सकते, कोई दूसरा नहीं हो सकता। और आपसे अन्य कोई दूसरा ये काम करने में समर्थ नहीं है, ये मान लिया। अभी ये मानने के बावजूद भी वो गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही सब कुछ, ये बात भी नहीं आई है। अभी उपदेष्टा में सर्वोत्कृष्ट उपदेष्टा मान रहा है, अभी भी ईश्वरत्व नहीं माना है, सर्वपदा नहीं माना है, वो आ गया है 11वां अध्याय। जब वो आ जाएगा तब असली ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, 13वां अध्याय से ब्रह्म ज्ञान शुरू होगा। ज्ञान कांड तो इसमें शुरू किया, यहाँ थोड़ी है, कर्माष्टक है। इसके बाद उसको अब भी उसको ब्रह्म उपदेश नहीं दिया, इतना कहने के बाद भी आप ही मेरा सदगुरु है कहने के बाद भी ब्रह्म उपदेश नहीं दिया, अभी कत उपासना के अधिकारी हो, इसलिए इसके बाद उपासना शक्ति शुरू कर देंगे। इन बीच बीच में लक्ष्य का जरूर याद दिलाते रहेंगे ताकि उसके ब्रह्म ज्ञान के प्रति एक जिज्ञासा जागरूक बनाए रखने के लिए बार बार बीच बीच में अद्वैत तत्व का लक्ष्य का अतत्सम्बन्ध किंचित साधनों का वर्णन करते रहते हैं भगवान। तदन्य संशय से ऐसी क्षेत्रता नहीं उपपद्यत है, आप सैन्य कोई क्षेत्रता इसका उत्पन्न नहीं हो सकता है। सब भाष्यकार भी तदन्य कर ऋषिर्वा देववा कह देंगे। एतन मे मम, मे मने मम संशयाम कृष्णा छे तुम मने अपने तुम रसी अशेषतः, पूर्ण रूपेण मेरे इन संशयों को काटने में हटाने में आप ही समर्थ। त्वदन्य त्वत्तो अन्य ऋषिर देवो वा, है ना, आपसे अन्य कोई ऋषि या कोई और देवता क्षत्ता नाशयिता संशयस्य, इस संशय का नाशयिता नहीं, ही मने यस्माद् न उपपद्यते, जिसलिए उपपन्न नहीं हो सकता, न संभवति, अतः त्वमेव चित्तमर्षि इत्यर्थः, इसलिए आप ही छेदने में समर्थ है। क्योंकि यह तो गति का मामला है ना, प्रश्न क्या है, गति का मामला, ये साधारण गुरु लोग नहीं बोल सकते। जो शास्त्र को अच्छी तरह से घोटा है, गति और आगति के संबंधी सगल शास्त्रों को, और कौन सी कर्म करने पर, कैसा करने पर, न करने पर तो क्या होगा, सभी गति और आगति संबंधी शास्त्रों को जो अच्छी तरह समझा हुआ है और प्रत्यक्ष कर लिया हुआ, जो सदगुरु ही ये तरह संशय निवारण कर सकता है। जैसे चांदोग्य परिषद में क्या है, देवता लोगों ने उपदेश दिया जाबाल को, अग्नि देवताओं ने, फिर गति के बारे में वह उपदेश नहीं दे पाए। जब सदगुरु आए तो उन्होंने पूछा, अरे देख रहे तो ब्रह्म ज्ञानी जैसे लग रहे हो, क्या बात है, तो उसने पूछा क्या करो, ये सब देवता लोग डर रहे थे आपसे, यही लोगों ने उपदेश दिया। अच्छा क्या उपदेश दिया, उसने बताया चतुष्पाद ब्रह्म का, कहते कि नहीं ये पूरा नहीं है, अभी तुमको गति बताना है बाकी। तब कहते गुरुदेव आप ही दीजिए, कि आचार्य से ही वास्तव प्राप्त विद्या ही सफल होती है, देवताओं से प्राप्त विद्या भी अधूरा ही होता है, स्पष्ट हो गया है, इसलिए आप ही दे दो। फिर उन्होंने गति की व्याख्या करी, तब वो पूरा हुआ विद्या। इस तरह से उपनिषदों में भी देखने को मिलता है। और ये भी प्रश्न है गति का, कि कर्म को त्याग दिया है, योग मार्ग में लगा है, उसकी सफल नहीं हुआ, पहले ही मर गया तो क्या होगा, छिन्नाभ्रक के समान नष्ट होगा क्या, ये पूछा हुआ है। तो यह है साफ साफ किए हुए कर्म, अथवा जो कर्म न करके अन्य साधन जो अपनाया उन साधनों का भी साफल्यता के पूर्व ही मरने वाले का गति के बारे में पूछा गया है। और यह गति एक साधारण गुरु का मामला नहीं, अतएव यहां पर
भगवान भी विकल्प सोच रहे हैं, कहने का इसका मतलब क्या है? उभय विभ्रष्टो योगी नश्यति, इसका क्या अर्थ हो सकता है? दो हो सकती है, अस्मिन्नेव लोके नाशः, कर्म को त्याग दिया, ब्रह्मानुभूति नहीं हुई, लोग सब उसकी निंदा करें, शिष्ट पुरुष उसकी निंदा करेंगे, वेद के वेद कर्मों का त्याग दिया, बड़ा योगी बन रहा था और भ्रष्ट हो गया, इस सब लोग उस भ्रष्ट योगी की निंदा करेंगे, ये तुम कहना चाहते हो नाशकार तो? या तुम कहना चाहते हो जो श्रुतियों में कहा गया अथहित यो पथो न कतरे न चना, इन दो मार्गों में से कोई मार्ग इसको मिलने वाला नहीं है। ते कीटा पतंगा इस धुंध शुकम, कीट होगा, पतंग होगा, दंध शुक होगा, इत्यादि कुछ भी हो सकता है। यह मनु ने कहा है, वांताशी उल्का मुखो प्रेतो विप्रो धर्मा स्वकाच्युत, वांताशी कुत्ता बनेगा, उल्टी करके खाने वाला कौन जंतु होता है? कुत्ता, वांताशी कुत्ते का नाम है, कुत्ता हो जाएगा वो, उल्का मुखो अग्निमुख, पतंग लौटते ना लाइट जलाओ कर दो पतंग उड़ उड़ के आते और मर जाते बेचारे, उल्का मुख हो जाएगा वो या प्रेत हो जाएगा वह ब्राह्मण जो स्वधर्म से च्युत हो गया है। ऐसे जो स्मृति स्मृतियां कह रही है परलोक गतियों को लेकर के, उनको लेना चाहता है, इसके प्रश्न का आशय क्या है? यह विचार किया भगवान कृष्ण ने, मसूदरी में सब दिया है श्लोक वगैरह, 333 पृष्ठ एकदम ऊपर से तीन पंक्ति भगवान ने विचार किया अर्जुन के प्रश्न को। अब जवाब में कहते हैं कि श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चिद् दुर्गतिंतात गच्छति। हे पार्थ, हे तात, दो संबोधन, कारण क्या है? तुम पूर्ण शरणागत है, उसी प्रकार जिस प्रकार से कुंती और तुम्हारी पत्नी द्रौपदी कभी मेरे में पूर्ण शरणागत हुए थे, उसी प्रकार से आज अब तुम मेरे पूर्ण शरणागत हुए। इससे पहले साधारण शरणागत साधिमान तम प्रपन्नम, सामान्य शरणागति थी और अब पूर्ण शरणागति। जैसे शुरू शुरू पढ़ने वाले आते श्रद्धा तो रहती है लेकिन पूर्ण श्रद्धा नहीं होती है, देखते हैं सुनने को मिला है बड़ा अच्छे पढ़ाते हैं, देखा जाए चलते हैं क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं, पूछेंगे भी दो चार प्रश्न भी है ना, उठपटांग भी पूछेंगे, देखें कितना चिढ़ेंगे, कितना गुस्सा होते हैं, सब देखते हैं परीक्षा। आजकल विद्यार्थी बड़े चालाक होते हैं, सब परीक्षा लेंगे फिर समझेंगे, हाँ नहीं भाई ये तो हर स्थिति में बढ़िया समझा दिया, बड़ा प्रेम से समझाए हैं, और लेकिन जहाँ चार फटकार दिए फिर टायर पंक्चर हो जाती, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती, श्रद्धा ढीली हो जाती और नहीं मान सकते फिर सदगुरु करके। जब हर स्थिति में मान लिया कि नहीं बिल्कुल इनके अलावा कोई मेरे को नहीं है, तदन्य संशयस्य क्षत्ता नहीं उपजते, ये दृढ़ निश्चय जिस गुरु में हो जाए तब मान लो उसका पूर्ण श्रद्धा पूर्ण समर्पण उस गुरु के प्रति हो जाता है, तब उसके लिए वह गुरु भी सदगुरु हो जाते हैं, तभी उसे वास्तविक ज्ञान। देखो अब तक कर्म की क्यों चर्चा किया, कर्म करो कर्म करो कर्म करो कह रहे हैं, अब उपासना के लिए भी दे देंगे, अब कृपा गुरु की बहने लगती है। इसी को कहते हैं जब तक पूर्ण समर्पण नहीं है गुरु के प्रति, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो बाह्य तरीकों से, गुरु की कृपा हृदय से बह नहीं सकती है। ये कृपा न देने की चीज है न लेने की चीज है, न गुरु दे सकता है न छेड़ा ले सकता है, वह स्वतः प्रभाव प्रसृत होने वाला है। इसे गीता के बारे में क्या कहा, महात्म्य कह दिया, क्या कहा, या स्वयं मुख पद्म विनिसृता, स्वयं ही मुख पद्म से निसृत होती है। अर्जुन रूपी बछड़ा को देख करके भगवान रूपी गाय से गीता रूपी दूध अपने आप बहने लगा, सत जाता है, वह जान के छोड़ने की जरूरत नहीं, गाय छोड़ती नहीं है जान करके दूध बछड़ा के लिए या बछड़ी के लिए। एक अला ऐसा अलग विलक्षण अनन्य प्रेम होता है आपस में कि वो बहने लग जाता, यही गुरु शिष्य के पीछे अनन्य प्रेम को दिखा रहा है। तात शब्द, पार्थ शब्द पूर्ण समर्पण,
और तात शब्द अनन्य प्रेम को द्योतन करता है। अतएव यहां से आगे भगवान साफ साफ उसको अब खुल करके उपास कर्म भी कहेंगे, लेकिन तुम कर्म भी तो कर रहा ही है, उपासना भी देंगे, ज्ञान भी दे देंगे, ईश्वर के दर्शन भी करा देंगे विराट रूपता का। ऐसी कृपा बहती जाती है, बहती जाती है, अपने आप को भगवान कृष्ण रोक ही नहीं पाते हैं ज्ञान देने में। ऐसी यह अर्जुन की शिष्यत्व की महिमा है, किस प्रकार से वह गुरु के साथ प्रश्नोत्तरी करता हुआ पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा और अनन्य प्रेम को द्योतन कर दिया है। और गुरु भी अनन्य प्रेम को स्वीकार कर संबोधन में कहता है, हे पार्थ, हे तात, नैवेह नामुत्र तस्य विनाश विद्यते। हे पार्थ, प्रता के सदृश पूर्ण समर्पण को प्राप्त किए हुए कि कुंती कई बार भगवान के पूर्ण शरणागति में गई रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, लेकिन पूर्ण शरणार्थ भी ना आए नहीं। द्रौपदी भी ऐसे दरबार में दुशासन से पीड़ित थी, पहले अन्यों के शरण में गई, परंतु जब पूर्ण शरणागत होगी भगवान की तब रक्षा होगा। इसीलिए उसे तुम भी हुए हो, अतः मैं एक साफ साफ कहता हूं, हे तात, हे पार्थ, तस्य तादृश साधक, योग साधक, योग भ्रष्ट साधक का विनाश नैवैह, यहां भी उसका कोई नाश नहीं होने वाला, कोई निंदा वंदा नहीं करेगा उसका, नामुत्र न ऊपर में के लोकों में के उसकी निंदा होती है, वहां से घर रहा होकर के पशु पक्षी आदि होने में चला जाएगा, प्रेत आदि होने में जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति कश्चित कल्याण कृत्यत, कल्याण मार्ग में चलता हुआ साधना करने वाला है, तो दुर्गतिम नहीं गच्छति, वह दुर्गति को नहीं प्राप्नोति, इत्यर्थ प्राप्त नहीं कर सकता है। हे पार्थ, नैव यह लोके, यह मन यह लोके, ये विकल्प थी ना, यह लोक में शिष्ट निंदा आदि रूपा नाश, या परलोक आदि का अप्राप्ति पूर्वक जायस्व मृयस्व, शस्त्र नहीं शुरू नहीं का ना, उसके दोनों मार्गों नहीं मिलेगा, न उत्तरायण न दक्षिणायन, दोनों नहीं, अतही तयो पथोर न कतरे न चना, इन दो मार्गों में से कोई मार्ग इसको नहीं मिलता, मैंने ऊपर के लोगों में पहुंचेगा ही नहीं वो, या यही जायस्व मृयस्व फंसा रहेगा, कीट पतंग आदि दंधशूक आदि हो जाएगा, कहा श्रुति ने, स्मृतिकार ने वांताशी उल्कामुख प्रेत आदि कह दिया है। कहते वो भी नहीं समझना, नामुत्र तस्य विद्यते परस्मिन् वा लोके, नामुत्र माने परस्मिन् लोके वा, अथवा ऊपर के लोगों में कहीं भी उसका किसी भी प्रकार का विनाश नहीं होता, तस्य विनाश नास्ति नैव न विद्यते। ते नाश किसको कहा है यहाँ पर, नाश शब्द का अर्थ क्या है? कहते नाशो नाम पुरस्मार हीन जन्म प्राप्ति, आ गया ना, नाश का अर्थ क्या लेना है यहाँ पे, मर जाना है, जाने मर रहे तो सभी मरते ही हैं, मरने का नाम नाश नहीं, किंतु पहले जो जन्म मिला था अर्थात जो मनुष्य जन्म में रहकर योग साधना कर रहा था उसकी अपेक्षा से और घटिया जन्म की प्राप्ति का नाम ही यहाँ नाश। तो मनुष्य जन्म से घटिया जन्म क्या होगा, भूत प्रेत आदि होना, कुत्ता बिल्ली घोड़ा बन जाना, पशु पक्षी बन जाना, पेड़ पौधा बन जाना, यही तो उसे घटिया होगा, इसी का नाम उस व्यक्ति का नाश। नाशो नाम पूर्व जन्मात, पूर्वस्मात जन्मात हीन जन्म प्राप्ति ही, स योग भ्रष्ट से नास्ति, ऐसा नाश जो है योग भ्रष्ट का नहीं हो सकता, सामने वह नाश एतादृश जो नाश है वह योग भ्रष्ट का नहीं हो सकता है। ही मन यस्मात, नहीं यस्मात, ही को अलग कर दो, संस्कृत में नहीं कोई शब्द होता नहीं है, न और ही अलग है, एक साथ छाप के गलत है वो। ही मन यस्मात, न का गच्छति के साथ अन्वय होगा, न गच्छति दुर्गतिम न गच्छति, उसके साथ अन्वय होगा, इसलिए भाष्यकार देखो न और ही अलग अलग दिया और ही कर यस्मात, ही मन यस्मात, क्योंकि कल्याणकृत शुभकृत
ये शुभ कर्म कर रहा है, शुभ साधन मार्ग में लगा है, शुभ मार्ग में लग गया, शास्त्रीय मार्ग में लग चुका है, ऐसा जो व्यक्ति कश्चित कोई भी क्यों ना हो, दुर्गतिम कुत्सितांग गतिम, हीन जन्म प्राप्ति रूपा जो कुत्सित गति है, दुर्गति है, उसको हे तात। भाष्यकार जान के संबोधन में जा रहे, वैसे तात तो बोला जाता है पिता को, और बेटा के लिए भी प्रयोग हो सकता है कि पिता से अभिन्न पुत्र होता है, इसे पुत्र के लिए भी तात होता है। और यहाँ न कृष्ण बाप है न अर्जुन बेटा है, यहाँ कैसे हो गया ताता? ये सब विचार कर रहे हैं। देखो तनोति आत्मान पुत्र रूपेण इति पिता तात उच्यते, जो अपने आप को पुत्र रूपेण वंश का विस्तार करने के लिए है पैदा कर दिया, पुत्र रूपेण अपने आप को पुत्र रूपेण जन्म दे दिया है, अपने वीर को बीज को पत्री में इस्तेमाल करके बो करके पुत्र रूपेण स्वयं प्रकट हो गया है, माने स्वयं का विस्तार पुत्र रूपेण उसने कर लिया, इसलिए पिता का नाम तात, पिता को तात सबसे कहा गया। पिता ही वो पुत्र, पिता ही पुत्र बना हुआ है, इसलिए पुत्रो पिता तुच्यते, पुत्र को भी तात कह दिया जाता है। तात्पर्य क्या है? तनु विस्तारे धातु का रूप है ताता, तनु विस्तारे धातु का रूप है ताता, विस्तार को प्राप्त किया तनोति, इसलिए विग्रह क्या देखो तनोति, तनु विस्तार तनोति आत्मानम। इस तरह से पिता और पुत्र में तो वंश का विस्तार है, अर्थ तो घटेगी वहां पर, यानी यहां कृष्ण और अर्जुन के बीच में कैसे घटेगा? ये तो गुरु और शिष्य है। भाष्यकार कहते हैं शिष्योपि पुत्र तुल्य तात एव, शिष्य भी पुत्र का तुल्य होने के नाते तात उच्यते, उसको तात शब्द से कह दिया गया है। यह अर्थ घटाना पड़ेगा, कह देने से नहीं हुआ, शिष्य को तात क्यों कहूं, शिष्य पुत्र तुल्य क्यों है, किस चीज का विस्तार हो रहा है, किस चीज का विस्तार हो रहा है? ज्ञान का विस्तार हो रहा है। गुरु शिष्य में ज्ञान देता है और शिष्य गुरु के लिए समर्पित होकर प्रेम का विस्तार करता है, शिष्य की ओर से प्रेम का विस्तार है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अनन्य भक्ति अनन्य प्रेम शिष्य का गुरु के प्रति है, और गुरु का शिष्य के प्रति ज्ञान प्रदान द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जा रहा है। अति ज्ञान विस्तार और प्रेम विस्तार रूपी दो हेतुओं को लेकर के दोनों में यहाँ गुरु को भी तात प्रयोग होगा, शिष्य को भी तात प्रयोग होगा। पूज्यत्व गुरु के लिए तात शब्द है, प्रियत्व जो है शिष्य के लिए तात शब्द का प्रयोग हो जाता है। यथा जनकत्व पिता के लिए तात शब्द है, और पुत्रत्व प्रिय पुत्रत्व जो है पुत्र के लिए तात शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो सर यहाँ पर ज्ञान विस्तार रूपी हेतु को लेकर पूज्यत्व रूपी हेतु को लेकर के गुरु के लिए तात शब्द प्रयोग होता है, और प्रियत्व और प्रिय का अत्य हमने अनन्य प्रेम का विस्तारगत रूप हेतु को लेकर के शिष्य के लिए भी तात शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यह मुख्य तात्पर्य ध्यान रखते हुए भाष्यकार ने कदे शिष्योपी पुत्र तुल्य उच्यते, बल्कि शिष्य पुत्र से भी ज्यादा प्रिय होता है, ऐसे भी अनेकों दृष्टांत मिला है उपनिषदों में भी अन्य शास्त्रों में भी, पुत्र से भी ज्यादा प्रिय शिष्य है ऐसे कई दृष्टांत। द्रोणाचार्य जी कहते हैं अर्जुन के मामले में, द्रोणाचार्य अपना पुत्र अश्वत्थामा को इतना धनुर्विद्या नहीं दी जितने उन्होंने खुलकर संपूर्ण रूपेण अर्जुन को दे दिया, पुत्र से ज्यादा प्रिय अर्जुन रहा शिष्य, इसे शिष्य पुत्र तुल्य कहना कोई गलत नहीं है। न गच्छति अन्वय कर लेना, वह दुर्गति न गच्छति न प्राप्नोति इत्यर्थः, यदि दुर्गति को प्राप्त नहीं करेगा, नाश को प्राप्त नहीं करेगा, फिर क्या होगा उसका वो बताइए फिर। किंतु अस्य किम भवति चेत्, किंतु अस्य तु किम अस्य भवति, तू गलत कर दो और कहो किम असि भवती, फिर उसका क्या होगा, ऐसे यदि अर्जुन के दिमाग में आवे तो आरंभ कर दिया भगवान ने, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमदांगे हे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम,
एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। यहां पर पाठ में पुण्य कृताम होना चाहिए, षष्ठी का बहुवचन पुण्य कृताम लोकां, ऐसे प्रिंट है ना तो गलत प्रिंट है। जिस पुस्तक में छपा है पुण्य कृताम अनुस्वार चिन्ह ल फिर लोकान ल, वो हो गया द्वितीय का बहुवचन माननी पड़ी। पुण्य कृतान तान रामान जैसे पुण्य कृतान रहेगा फिर लोकान ल है तो और ली लगेगी, अनुस्वार से अनुस्वार है ना, अनुनासिक लकार लग गया है ना, अतः द्वितीय का बहुवचन हो जाएगी। लेकिन भाष्य में क्या दिया, पुण्य कृताम अश्वमेध याजी नाम लोकान, लोकान शब्द द्वितीय बहुवचन जरूर है लेकिन पुण्य कृताम षष्ठी का बहुवचन है, द्वितीय का बहुवचन नहीं। ये जिनके यहाँ अनुस्वार युक्त लकार छपी है वो काट देना चाहिए और पुण्य कृताम अलग बनाओ, लोकान अलग बनानी पड़ेगी। षष्ठी बहुवचन समझना पाठ अपपाठ है, ये द्वितीय बहुवचन गलत पाठ है। कहते हैं कि देखो इनमें भी दो क्वालिटी वाले योग भ्रष्ट में, योग भ्रष्ट में भी दो क्वालिटी है, दो प्रकार के योग भ्रष्ट है, एक कर्मी योग भ्रष्ट है, एक दूसरा उपासक योग भ्रष्ट और सम्यक दर्शी योग भ्रष्ट, समदर्शित्व के लिए प्रयास करता हुआ योग भ्रष्ट। दो भाग में बांटनी पड़ेगी, एक तो निष्काम कर्मयोग कर रहा है लेकिन अभी वो ब्रह्म ज्ञान अभ्यास नहीं कर रहा है, समयोग समत्व दर्शन जो ना अभी बताया जो बार बार जो योग समत्व सांख्य योग इसका अभ्यास नहीं कर रहा, कर्मयोग कर रहा है निष्काम भाव से कर रहा है, संकल्प त्याग के कर रहा है, वो सब कर रहा है, पहला पक्ष उसका है 41वां श्लोक। और दूसरा जो उपासक होता हुआ सांख्य योग का अभ्यास कर रहा है, समदर्शन रूपी योग सम्यक दर्शन रूपी जो योग है इसका अभ्यास जो कर रहा है उसका दूसरा श्लोक में 42। कर्मी होने के नाते वो पहला वाले को कह देगा पुण्यकृत लोकों में जाएगा, वो उन लोगों को प्राप्त करेगा जो पुण्यकृत पुरुष लोग प्राप्त करते हैं, पुण्यकृताम पुण्यकृत पुरुषों का जो लोक है, पुण्य कर्म करता कौन है जैसा अश्वमेध यज्ञ आदि को करने वाले लोग, ऐसे लोग जिन लोगों को प्राप्त करते हैं उन लोगों को, यह कर्मी जो निष्काम कर्मी होगी तो एक फल का हमने तो किया नहीं था उसने, इसे उसका तो स्वर्ग आदि फल निश्चय नहीं था कहाँ जाएगा वो, लेकिन उसके कर्म के उत्कटता आदि के आधार पर उत्कृष्टता आदि के आधार पर वो कोई ना कोई लोगों को प्राप्त करे, उत्कृष्ट लोगों को प्राप्त करेगा, वहाँ शाश्वत समाह काफी वर्ष तक नित्य वर्षों तक रहेगा, रह करके लौट के शुचि नाम श्रीमदांगे है शुद्ध आचरण वाले शुद्ध विचार वाले सन्मार्ग गामी और श्रीमदाम धनी भी हो सकता है, राजा जी का परिवार भी हो सकता है, करोड़पति घर में भी हो सकता है, ऐसे घरों में वो पैदा होगा, योग भ्रष्ट अभिजायत है। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है, ये दुर्लभ है ये भी, लेकिन इससे दुर्लभतर बताएंगे अगला, वो दुर्लभतर है, फिर एक दुर्लभतम है जिसको बोलेंगे नहीं भगवान, छिपा दिया चुप उसके बारे में बोलते हैं। अथवा अब जो समदर्शन का अभ्यास कर रहा था, कर्म को पूर्ण रूपेण त्याग दिया है, अब कर्मयोगी नहीं है, कर्मी नहीं है, कर्म को पूर्ण रूपेण त्याग दिया और यह अष्टांग योग को अभ्यास करते हुए ब्रह्मचिंतन कर रहा है, समदर्शन योग का अभ्यास कर रहा है, सांख्य योग का अभ्यास कर रहा है, और लेकिन उससे समदर्शन प्राप्त नहीं हुआ मर गया वो जब उसको दूसरे कोटि में, ऐसा योगिना में व कुले कुले कार्य यहां पर पूर्व गेहे कर दिया जाएगा, योगियों का घर में वो पैदा होगा। वे कैसा योगी है, केल हट योगी राजयोगी क्रिया योगी, ऐसा योगियों के घर में नहीं, विशेषण दे दिया धीमता ज्ञानी योगी ज्ञान मार्ग वाला योगी, सांख्य योगी के घर में पैदा होगा जिस घर में नित्य निरंतर वेद वेदांत चिंतन होता है और जब सत्संग होता है, सासंतों के आना जाना रहता है, सासंत दुर्गे आने जाने होते हैं, और अभी वो सत्संत होते हैं जो अद्वैत वेदांत के दीक्षित और अद्वैत वेदांत की चर्चा करने सासंतों का संग है वहां पहुंचते, ऐसे घर में पैदा होगा।
और यहीं पर आकर भाष्यकार कहेंगे वो निश्चित रूप में ऐसा जो योगी ज्ञान साधना करने वाले योगी वो जिस घर में पैदा होगा, भाष्यकार विशेषण जोड़ देंगे, पूर्व में श्रीमताम कह दिया अतः यहाँ दरिद्राणाम जोड़ लेना है। दरिद्राणाम धने न दरिद्रोपिशन ज्ञाने गुणे च पूर्णतया श्रीमताम भवति। ज्ञान और गुण दृष्टिया ऐश्वर्य संपन्न है किंतु धन दृष्टिया भले न रहे, ऐसे को यहाँ दूसरे पक्ष में लेना है। ऐसे घर में जगह पैदा हो जाएगा, होते हैं ऐसे। अब हम लोग कोई जो गुरु भाई है निरंजनानंद जी हैं, जो गुरुगद्दी पे बैठे हैं, चार उम्र में ही उनके माता पिता के गुरु जी के गोदी में डाल दिया, कहते आप संभालो हमें भी सन्यास दे दो, और अपनी सारी संपत्ति मकान वकान सारा चीज़ राजनांदगांव में, आज भी आश्रम है राजनांदगांव में, सत्यानंद योग आश्रम आज भी है, सारा संपत्ति उन्होंने गुरु जी को दे दी और कहा कि आप हमको भिक्षा दीजिए, जो आप देंगे उनका स्वीकार रोटी खा लीजिए। तो जितना बड़ा बहुत लंबा चौड़ा संपत्ति है, आम की बगीचा है, मकान बड़ी कोठी थी, पूरा आश्रम को दे दिया, और गुरु जी ने जहाँ रखा जैसे रखा चुपचाप सेवा में दिन रात लगे हैं, योग सीख रहे सिखा रहे चल रहा है। वो बच्चा तो हो गया 50 उम्र का लगभग हो रहा है, लेकिन ना चार उम्र में देखो कैसे घर में पैदा हुआ, और घर के लोगों का पहले से संबंध साधु संतों से रहा, और महाराज जी भी जब यहाँ से शिव दर्शन के लिए घूम रहे थे उस समय उनके गांव होते हुए निकले थे, वहाँ का संपर्क हुआ था, वो संपर्क बनाए रखे, महाराज जब जहाँ भी जाएंगे हमको पत्र व्यवहार संबंध बनाए रखा, कहाँ है ठिकाना बताते रहिए, इतना संपर्क हो गया, प्रेम हो गया। और जब मुंगेर में बैठ गए तो इन्होंने सोचना दिया हम तो यहाँ बैठ गए हैं, अब बैठ गए एक जगह पे, ठीक। 1964 में उन्होंने खोला, 1964 लाकर उन्होंने गोदी में डाल दिया, 60 में पैदा हुआ है, जून 25 तारीख नहीं जुलाई 25 60 को पैदा हुआ, और जो 64 की जून महीने में उसको ला के डाल दिया, ठीक 4 साल लगभग हुआ था। तो योगी नाम धीमताम खुले, और दोनों भी सन्यासी सर्वसमर्पण। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद पिता गुजर गए, माता तो जब हम तब तक थे अभी है या नहीं मालूम नहीं, आश्रम में ही रहते थे। इस प्रकार से पूर्ण वो समर्पित होकर इस मार्ग में लग जाना दोबारा ये अत्यंत दुर्लभतर है, और दुर्लभतम कौन सा है, सुखदेव का जन्म जैसे हुआ, वामदेव का जन्म जैसे हुआ, या गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञान हो जाए, सबके गुरुकुल गुरु के चक्कर में जाना ना पड़े, वो दुर्लभतम जन्म है उसका भगवान ये चर्चा ही नहीं करते क्योंकि वह असंभव प्राय है। घर में ब्रह्म ज्ञान हो जाए, जन्म से ब्रह्म ज्ञान मदलासा ने अपने बच्चों को दी, जन्म से ब्रह्म ज्ञान दे दिया, जन्म के बाद से उनके कान में फूंकती रही वेदांत, पूरी वेदांत सुनाती थी, जब भी बच्चे उन्हें प्यार करते तो वेदांत सुनाती थी। ऐसे माँ के यहां जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं, वो सब ये दुर्लभ तरम में आ गया, जन्मोत्तर काल वेदांत श्रवण हो रहा है ना, जन्मोत्तर काल में होना, अथवा योगी नाम कुले बहुत धीमताम ये तद्धी, यह जो जन्म है ना इस प्रकार का वो दुर्लभ तर है इस लोक में, यदि ईदृशम जन्म लोके ये तद्धी दुर्लभ तरम भवती। तो कर्फल त्याग कर्मयोगी पहला ले लिया, आप कहते कि भाई देखो दूसरे में जो है सांख्य योगी और उपासकों को ले लिया, मसूदकार स्पष्ट करके अलग अलग करके बता दिया है यहाँ पर मसूदनी। अगला पृष्ठ 335 में कहते हैं एतर योगी नाम इति न कर्मी ग्रहणम, स्पष्ट कर दिया पहला पंक्ति के अंत में, योगी नाम शब्द से समझ लेना आप कर्मी को मत लीजिए, क्योंकि पहले कहा ना सांख्य योग हो पृथक बाला योग से कर्मी को लिया जाता था, नहीं या पुरुष लोक से कर्मी ले लिया, क्यों कर्मी का गति होता है, कर्म की वजह से क्या हो गया वो पुण्य लोक में चला गया, और जो कर्म किया ही नहीं वो कहां से पुण्य लोक चला जाएगा, कोई लोग तो जा नहीं सकता, वो तो धीमताम योगी नाम खुले, इसलिए यहां दूसरा जो है कर्मी का मामला नहीं, ये स्पष्ट है। भाष्य योग मार्ग प्रवृत्त सन्यासी, यहां सन्यासी से लेना कर्मयोगी कर्मफल त्यागी, वो ब्रह्म विज्ञान वाला सन्यासी नहीं लेना है, पहला श्लोक वाला विषय है। योग मार्ग में प्रवृत्त जो
कर्म फल त्याग करने वाला सन्यासी, सामर्थ्यात उसने की गई जो हाँ फलाकांक्षा रहित किया गया जो कर्म है, उन कर्मों की सामर्थ्य से क्या हो गया, प्राप्य माने गत्वा जाके कहा जाएगा, पुण्यकृताम षष्ठी बहुवचन, पुण्यकृताम अश्वमेध याजिनाम, जो अश्वमेध याग आदि जो करते हैं ऐसे यजमान लोग, जिन लोगों को लोकान जिन लोगों को प्राप्त करते हैं, तत्र च वहां जाकर के गत्वा उषित्वा वहां रह करके वासम अनुभूय वहां कुछ समय वास करके हाँ, शाश्वती नित्यासना इस जन्म यहाँ मनुष्य जन्म की अपेक्षा से कुछ अधिक समय तक को यहाँ सापेक्ष नित्यता का दिया, नित्यासमा संवत्सरान तद भोग क्षय, वह भोग का क्षय होने पर नीचे आए। इसे दो प्रकार के लोग होते हैं यहाँ जो योग भ्रष्ट में गिनती किए जाते हैं। मसूदनी बहुत सुंदर विभाजन कर समझाया है, देखो तदेव योग भ्रष्ट से शुभकृत्वेन लोकद्वे भी नाश भावे किं भवति इत्युच्यते, योग मार्ग प्रवृत्त सर्वकर्म सन्यासी वेदांत श्रवणादि कुर्वन् अंतराले म्रियमाण कश्चित् पूर्वोपचित भोग वासना प्रादुर्भावाद् विषयेभ्यः स्पृहयति। पहला कोटि वाला कैसा है, किसी पूर्व वासना के वजह से पूर्वोपचित भोग की वासना प्रादुर्भाव हो गया, विषयों की स्पृहा हो गई, विषय भोग करने की इच्छा लेश मरते वक्त उसके प्रार कर्म के रूप में प्रकट हो गया है, अब उसको भोग करने उसको जाना पड़ेगा तत्त्व लोक, वो लोकों में जाएगा भोग करके लौटेगा। और दूसरा कैसा है, कश्चित वैराग्य भावना दाढ़ियात न स्पृहयति, वैराग्य की भावना दृढ़ थी अतएव उनको विषय वासना तंग नहीं किया, मरण काल में विषय वासना जग करके प्रारकर्मांश रूपेण हाँ उसमें लगा नहीं, तो ऐसा व्यक्ति किसी लोक में जाके लौटेगा नहीं, किंतु यही सीधे ही किसी योगी को कुल में जो जन्म ले लेगा। ऐसा महान गृहस्थ योगी जो वेदांत श्रवण आदि रुचि रखने वाले हैं, ऐसे घर में जाकर के वह जन्म ले लेगा, और घर के लोग पहले बचपन से उसको संतों का संग में रख करके योग वेदांत ध्यान के मार्ग में लगा कर रख देंगे। ये बाकी से होता है, जब ये शरीर 6 महीने का था तब इस शरीर के माता पिता बद्रीनाथ यात्रा में आए थे, तो शिवान जी का दर्शन करके उनके चरणों में रख दिए थे, वो आशीर्वाद दिए जो भी मन में दिए भगवान जाने, तो साधु बन गया ये था। और जब 4 साल का था तब वो ले गए थे रमण महर्षि के आश्रम, और एक शिवान जी से दीक्षा लिए और दूसरे रमण महर्षि के शिष्य, दोनों ही वेदांतियों के शिष्य पैदा हुए, द्वै संप्रदाय में दोनों, गृहस्थ धर्म देखो द्वै संप्रदाय का, घर में पूजा पाठ द्वै संप्रदाय की हो रही है, सारा घंटा उंटा हो बजता सब आरती वो सुबह शाम सब होता था पूरी द्वै संप्रदाय के अनुसार, लेकिन चिंतन पूरा अद्वैत का रखा था, दीक्षा लिए अद्वैत वो सी मंत्र दीक्षाएं, तो ऐसा होता है प्रत्यक्ष सिद्ध। तीसरे कहते हैं यहां कि निर्भर होता है व्यक्ति की वासना क्या लेश है, कोई जरूरी नहीं हो पुण्यकृत लोक में जाके लौटेगा। दो विभाग करते शुरू में ही इन्होंने, तयो हो करे ना मसूदनी 334 में, तयो हो प्रथम प्राप्य पुण्यकृताम अश्वमेध याजनाम लोकान अर्चिराज मार्गेण ब्रह्मलोकान, ब्रह्मलोक तक भी जा सकता है, वहां से लौटेगा वो, जैसी वासना उस पर निर्भर है, जिस लोक संबंधी विषय वासना है तद लोक में हो जाएगा, आप ब्रह्मलोक तक जा सकता है वहां से लौटेगा। एकस्मिन्नपि भोग भूमि भेदापेक्षया बहुवचनम, यदि भी एक है वो फिर भी भोग भूमि की भेद की अपेक्षा से बहुवचन प्रयोग कर दिया लोकान तत्र च उषित्वा वासम अनुभूय शाश्वती ब्रह्म परिमाणेन अक्षय्याः समः संवत्सरान् तदन्ते, उतनी संवत्सर रह करके उसके पुण्य के अनुसार क्या करेंगे, शुचिनाम शुद्धानाम श्रीमदां विभूतिमतां महाराज चक्रवर्तीनां गेहे, महाराजा के घर में चक्रवर्ती के घर में पैदा भी हो सकता है, कुले भोग वासना शेष सद्भावात्, क्यों भोग वासना का शेष भी अभी रह गया हो तो ऐसे घरों में जाएगा राजा के घर में, और जैसे दृष्टांत अजात शत्रु जनक आदि भक्त योग भ्रष्टो अभिजायते, ये अर्थ लेना चाहिए।
और जिसका भोग वासना नहीं रह गया है, वैराग्य श्रद्धा वैराग्य आदि की वासना थी मरण काल में, वो ऊपर के लोकों में जाके लौटेगा नहीं। ओ तो यही झटी थी हाँ, अंतिम पंक्ति भोग वासना विरह पुण्यकृताम लोकान अप्राप्य योगी नाम धृद्राणाम ब्राह्मणानाम आ गया ना। मसूदनकार कहते धृद्राणाम में ब्राह्मणानाम भी जोड़ दिया, भाष्यकार केवल धृद्राणाम कह रहे हैं और ब्राह्मणानाम जोड़ दे रहे हैं। धृद्र ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाएगा, न तो श्रीमदाम राज्याम कुले, श्रीमान जो है धनवान राजा के कुल में पैदा नहीं होगा। ये विशेषता है, श्रद्धा वैराग्य आदि ऐश्वर्य है इसके पास। श्रद्धा वैराग्य ज्ञान निष्ठा आदि रूप संपत्ति होने पर भी बाह्य धन रूप संपत्ति भोग सामग्री रूप संपत्ति नहीं है। और राजमहल में पैदा तो क्या होगा, वह भोग सामग्री खूब रहता है। इसे दरिद्राणाम ब्राह्मण में का तात्पर्य यहां ये नहीं कि धन नहीं है, पढ़ा भी नहीं सकता, ऐसा अर्थ नहीं लेंगे, या इतना लेंगे कि भोग सामग्री अभाव है। जितना रहने के खाने पीने कपड़ा लगता चाहिए, शास्त्रों का श्रवण मनन सत्संग आदि की जितनी जरूरत उतनी है, ऐसे घरों में पैदा हो जाएगा। ब्रह्म विद्यावता और स्पष्ट कर दिया, धीमता मैंने ब्रह्म विद्यावताम कर भाष्य में भी कह रहे, इसलिए शुचि नाम यथोक्त कार्य नाम, शुचि नाम का मतलब क्या, शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले लोग, ऐसे श्रीमदाम विभूति मताम गेहे गृहे योग भ्रष्ट विजायते, अथवा श्रीमदाम कुलाद अन्यस्मिन, अथवा कर क्या लेना, अथवा क्यों कह रहे मंत्र श्लोक में उसकी व्याख्या कर रहे भाष्यकार, अथवा मैंने पूर्व में कहा हुआ श्रीमताम कुलाद अन्यस्मिन इत्यर्थ, जो श्रीमान वालों का कुल होते हैं उनसे विलक्षण कुल में, उनसे विलक्षण क्या है, वो योगी नाम एव दरिद्राणां कुले, श्रीमदान से विलक्षण दरिद्रता विपरीत, ऐसा जो योगियों के कुल में भवति जायते धीमताम। भाष्यकार तो बुद्धिमताम कर देते हैं, मुसलकार कहते ब्रह्म विद्यावताम भी जोड़ दिया, हाँ केवल बुद्धिमान नहीं है वो लोग, ब्रह्म विद्या को भी के प्रति भी उनका रुचि बनी हुई है, ऐसे के गृहस्थी के घर में पैदा हो जाएगा। ये तद्धि जन्म मने क्षत्रिय घर में पैदा नहीं होगा, वैश्य घर में भी पैदा नहीं होगा, शूद्र का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो अनधिकारित्वादेव मृच्छादि में तो कहाँ से संभव है। इसलिए बड़ा आश्चर्य होता है जब ऐसे शास्त्रों को पढ़ते हैं, जब बड़े बड़े योगी हैं वे विदेशी औरतों को चेड़ी बनाकर उनको गद्दी देते हैं, कहाँ तक ये उचित बनता है, समझ में नहीं आता। वो योग भ्रष्ट तो होते नहीं, उनको योग भ्रष्ट क्वालिटी में कैसे लिया जाए उस विदेशी औरत को। यहाँ तो भगवान कह रहे हैं जब भाष्यकार थोड़ा और ज्यादा ये होते हुए इतना ही दरिद्राणाम कुले, मुसलमान बड़े कट्टर हो गए नहीं, दरिद्राणाम ब्राह्मणानाम कुले, ब्रह्म विद्यावताम धीमताम कुले, जब ऐसे कह दिए तो कोई मिलेच घर में पैदा हुआ औरत को गुरु बना दे कैसे हो सकता है, अनधिकारी है, अयोग्य है, योग भ्रष्ट तो है नहीं। लेकिन जगह अरबिंदो है ना, महर्षि अरविंद, वो क्या कहे, विदेश औरत को बिठा दिया, परमहंस योगानंद बड़े क्रिया योगी की बात करता है, विदेश औरत को बिठा दिया। अच्छे चलो इस युग में अभी अभी हुआ घटना है, 30-40 साल पहले, 20-20 साल पहले, पता नहीं क्या है, ये शास्त्रानुसार है ना वो ठीक नहीं लगता है, अनुचित है, किसी भी कारण से बनाए हो लेकिन वो उचित नहीं है। अब बनाओ महंत मंडलेश्वर तो योग भ्रष्ट को बनाओ, ढूंढो योग भ्रष्ट को, फिर ब्राह्मण घर में पैदा हो, इसके घर द्वार संस्कार ठीक ठाक हो, माँ बाप ठीक ठाक हो, सब वेदांत वगैरह श्रवण में शासन सेवा सत्संग आदि में रुचि रखते हो, ऐसे कुलों से आया हुआ जो ब्राह्मण बालक हो उसको दीक्षा देकर उसको पढ़ा लिखा करके उसको बिठाओ, बिठा नहीं है तो काय को मृक्षों को बैठाए, बे मतलब महर्षि महर्षि होगी वो भी ऐसे ही बिठाए, मुसलमान था मुसलमान से ईसाई हुआ, ईसाई से हिंदू बना, हिंदू से महंत हो गया बड़ा करोड़पति, ऐसे सब लोग बिठाए। और कहते थे योग भ्रष्ट, अरे योग भ्रष्ट होता तो मुसलमान घर में कहाँ से पैदा हो, असनातन के घर में जाना, यहाँ तो कहते हैं कहाँ जाएगा वो,
वो जन उनके प्रारब्ध जन है। एतद् जन्म दरिद्राणाम योगिनां कुले दुर्लभतराम। ये तार जो जन्म है जो दरिद्रों के दरिद्र योगियों के कुल में जो होना है वो दुर्लभतरम दुखेन लभ्यतरम भवती, दुख पूर्वक लभ्यतर होता है ऐसा मानना चाहिए पूर्व अपेक्षा, ऐसा ना। दुर्लभतर क्यों बोले, फिर कोई दुर्लभ होगा, दुर्लभतर है, दुर्लभतम है, दुर्लभ क्या है फिर, पूर्व अपेक्षा पूर्व में जो तो दुर्लभ है ये दुर्लभतर है लोके इस संसार में। ए जन्म यदीदृशन यथोक्त विशेषण कुल है, यथोक्त विशेषण वाले कुल में इस प्रकार कुल में जो जन्म लेना है वह अत्यंत कठिन है ऐसे समझो। यस्मात् क्योंकि क्या कारण है, आपने ऐसे कह दिया दुर्लभ दुर्लभतर दुर्लभतम जन्म का वर्णन कर लिया। दुर्लभतम जन्म तो यहाँ गोपनीय है, छिप गया है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा है वास्तविक ऐश्वर्य क्या है। इसलिए श्रीमतां कुले से भले ही टीका कर लो राजा क्षत्रिय वैश्य आदि ले लिया खूब धनी ऐसे ये कोई जरूरी नहीं है। वहां पर भी आप श्रीमतां ब्राह्मणां ले लो और दरिद्राणां ब्राह्मणां दूसरे श्लोक में ले लो, कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण में श्री किसको कहा है, ऋच सामान्य यजूंशी साई श्री अमृता सताम सताम पुरुषाणाम सत पुरुषों का श्री अमृत श्री अमृत तुल्य श्री ऐश्वर्य क्या है, कद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और कुछ एक तीन वेद और वेद ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है ब्राह्मण का। जिस ब्राह्मण के पास वेद और वेद ज्ञान है वही असली धनी ब्राह्मण है, और भले अरब रुपया हो और वेद नहीं पढ़ा हो वो दरिद्र ब्राह्मण। रुपयों से यहाँ पर शास्त्रों में जो है श्रीमता को नहीं देखा जाता ब्राह्मणों में, रुपया तो तुच्छ वस्तु है। अर्थस्य दासो सर्वे न दास कसचिद अर्थ। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं सारी दुनिया अर्थ के दास है। अर्थस्य दासो ही सर्वे न दास कसचित अर्थ, लेकिन अर्थ कभी किसी का दास आज तक नहीं हुआ। यदि होता है आगे लिखते हैं योगी नामेव दास श्री रपि, यानी योगियों के सामने घुटना टेक के सारी रिद्धि सिद्धि बैठी हुई रहती है, लेकिन उसको लात मार करके योगी ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़ जाता है वह असली योगी है। इसलिए कहते हैं कि क्यों ऐसा है वो कारण बता रहे, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च तथो भूय संसिद्धौ कुरुनंदना। हे कुरुनंदना, जान के भाग भगवान यहां संबोधन कुरुनंदन दे रहे, जैसे तेरे कुरुवंश में सदा ही वेदांत में निष्ठा रखा, भीष्म पितामह बस कितनी वेदांत की ज्ञान थी, मोक्ष धर्म पर पूरा वेदांत भरा पड़ा है, पूरी वेदांत सुना सारा चीज दिया, उपासना दिया, कर्म वर्म सब बता दिया। भीष्म पितामह जितनी ज्ञान भंडार थी बड़ा आश्चर्य होता है पढ़ने का। धृतराष्ट्र के पास कम नहीं था, सब ज्ञानवान पुरुष लोग, और जिनको भी ज्ञान मिला। इसलिए कहते तुम कुरुवंश के नंदन हो, तेरे अंदर भी मैं वही कर रहा हूं जो मैं दुर्लभतर जन्म वाले के साथ करता हूं। दुर्लभतर जन्म वालों को क्या होता है, तत्र तम बुद्धि संयोग, पूर्व जन्म ने आपने कहां तक किया था उससे आगे आपको बढ़ा देंगे। यहां लघु पढ़ने के लिए आप इस समय 2 साल लगे हैं तो अगले बार 6 महीने में कर लोगे आप, पिछले बार 4 साल में किए होंगे, उससे पहले बार 10 साल में भी नहीं हुआ होगा, कई जन्म से चल रहा है चक्कर, ऐसे ही होता है। वासना दृढ़ होती जाती है, सुनते खटखट याद होते जाता है, सुनते ही। हमें लघु कर्म में 9 महीने लगे, बीच में छुट्टियां छोड़ करके अष्टाध्याय केवल उसी 9 महीने के अंदर पर रख लिए। 7 तर्कसंग्रह भी रट के सुना रहे थे, 3 चीज रटाई चलती थी एक साथ, तर्क लघु और अष्टाध्याय।
तर्क खत्म हुआ नहीं और संग्रह रटना शुरू, और सुनाना पड़ता था गुरुओं को। इसके अलावा लघु पढ़ रहे हैं उसकी पूरी तैयारी, पूरी नोट्स बनाना, अगला दिन जब पूछे जहाँ तहाँ वहाँ से सुनाना, और सहपाठियों को पढ़ाना। पाठ पढ़ के आता था, नोट्स बनाता था, सहपाठी चारों को बिठाता था, चारों बैठो मैं सुनाता हूँ, अब आप भी सुना सको तो सुना, मैं तो सुन के जाऊँ, अपनी तो पक्की हो गई सुनाने से, हाँ तो सुना सको तो सुना देना, मैं सुनने को तैयार हूँ, हेमत सोचो मैं नहीं सुनूंगा, गलत बोलोगे तो मैं ठीक कर दूंगा, समझा दूंगा, दोबारा बता दूंगा, लेकिन तुम्हारा भी पक्का करना मेरा उद्देश्य है, केवल मेरी अपनी पक्का करना उद्देश्य नहीं था, और उन चारों ने पक्का हुआ लघु में, ऐसे नहीं छोड़ा नहीं, साथ पे बिल्कुल रगड़ता रहा, पूछता था बताओ आप बताओ ये बनाओ आप कैसे बनेगा, हमने तो सुना दिया आप सुनाओ, जबरदस्ती पीछे पड़ जाता, अपनी भी पक्की हो गई उन लोगों का भी पक्का कर दिया, ऐसे हम लोग अभ्यास करते रहे। और ये आजकल देखते विद्यार्थी आपस में एक वो दिशा में जा रहा है, क्या आपस में बैठ के पढ़ेंगे, ये चार चार दिशा में चल रहे हैं तो कैसे होएगा, यहाँ पढ़ के गए स्वयं तो मनन कर लेते हो, लेकिन जब तक चार के साथ जो पढ़े हैं उनके साथ बैठ के विचार नहीं करेंगे पक्का नहीं हो सकता, फिर पढ़ाना पड़ेगा। ये कई बात आपने नहीं सुना है, किसी और ने उस पर गौर दिया, ध्यान दिया, आपका मन कहीं और चिंतन में चला जाता है, कई बार उधर पाठ कोई बात सुना दिया, वो बात सुन के उसकी में घूम जाती है, कहीं और चले जाते हैं आप, और इतनी कई पंक्तियाँ छूट गई आपसे, उसका दूसरा तो सुन रहा है ना, लेकिन वही यही कि सबके दिमाग एक साथ घूम जाता है क्या, दूसरे का तो यही है ना दिमाग, तो वो लाभ आपको पहुंचेगा, उतनी जगह पर आपको बता देगा। इस तरह सहपाठियों से विचार करना, इसलिए चार जो विद्या के परिपथ चार आएंगे, एक स्टेज बताया गया, पहले श्रवण करो, खुद मनन करो, सह विचार करो, अन्योन्य प्रबोधनम, इसका नाम ही अन्योन्य प्रबोधन हो रही क्या, सह विचार करना, फिर पढ़ाओ पक्का हो जाता। इसे उनको क्या करूंगा मैं, तम बुद्धि संयोगम तत्र पौर्व देहिकम, तम बुद्धि संयोगम तत्र लभते, पूर्व देह में जो उन्होंने पढ़ा लिखा था, जो ज्ञान अभ्यास की थी, जो साधनाएं किए थे, वह सारी की सारी चीज उनको इस शरीर में उनको प्राप्त करा देता। इसलिए उनको बैक गियर में गाड़ी ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं, ततो एवा ना वहीं से आगे, यानी कि पुनः एबीसीडी शुरू हो जाएगा, नहीं नहीं दोबारा पूरा नहीं जाने की जरूरत है, वो तो नाम मात्र के लिए मानते नहीं ना, आप पढ़े हैं सुने तो कौन सुनेगा, इसे ठीक है महाराज लघु भी पढ़ेंगे, लेकिन इतना तेजी से खत्म हो जाएगा आप सब आश्चर्य कर जाएंगे, फटाफट निपट जाएगा सारा, छह साल में पूरा खत्म, द्वादश दर्शन, ज्योतिष भी, योग भी, सांख्य, सारा चीज कंप्लीट, केवल छह साल, और 15 साल पढ़ाया 90 जनवरी से 2005 तक लगातार, फिर अब भी चल रहा गाड़ी पढ़ाने की, बीच में 6 महीने गैप हो गया, तो चल रहा, तो इस तरह से वो अभ्यास बना रहेगा तो अगले जन्म में क्या होगा, 6 साल भी नहीं लगेगा, इस जन्म में 12 साल लगी होगी, उसे पहले 20 साल लगा होगा, ये समझना चाहिए, इसे कई जन्म लगते हैं, अनेक जन्म संसित आगे के जन्म में और जल्दी जल्दी होते जाएगा, और जन्म ही नहीं होगा, अंत में कहानी खत्म हो जाएगी। इसने कहा ततो भूय है यतते, संसिद्धि के विषय में, संसिद्धि के मार्ग में लग करके, और उससे भी आगे बढ़ करके और अधिक मेहनत करने लग जाता है, ये विशेषता है।